नेक्स्ट क्वेश्चन 2014 का सवाल है. क्वेश्चन सेज इन वाईडीएसई सेटअप द इंटेंसिटी ऑफ अ लाइट एट अ पॉइंट ऑन द स्क्रीन वेयर पाथ डिफरेंस इज लैम्डा इज के, लैम्डा बीइंग वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज. सवाल है इंटेंसिटी एट अ पॉइंट वेयर द पाथ डिफरेंस इज लैम्डा बाय 4 विल बी. हमारे ऑप्शन है के, के बाय 2, के बाय 4 या फिर 0. ना सिंपल सवाल है, बेसिक्स यहाँ पे अपने क्लियर होने चाहिए. तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि वाईडीएसई सेटअप की जब हम बात करते हैं तो इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट हम देते हैं आई नॉट आप ये किसी भी स्लिट की जो है ऑलराइट इसको हम लिखते हैं 4 I0 cos स्क्वायर डेल्टा 5/2. ये आपकी इंटेंसिटी किसी भी एक पॉइंट के लिए लिखी जाती है और ये I0 आपकी इंडिविजुअल एक सिंगल स्लिट की इंटेंसिटी है. जब हम यहाँ पे कह रहे हैं अपना केस वन है कि जब आपका पार्ट डिफरेंस लैम्डा है. सो पहला केस है कि इफ़ पार्ट डिफरेंस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लैम्डा, उस केस में आपका जो डेल्टा फाई होएगा उसको हम लिखेंगे 2π/λ मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एक्स, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2π. तो उस केस में आपकी इंटेंसिटी जो आएगी पहली इंटेंसिटी I1 वो हो जाएगी 4I0 मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ ये आ जाएगा डेल्टा फाई की जो वैल्यू आई वो पाई बाय 2 आई, यानी कि कॉस ऑफ पाई का स्क्वायर इसकी वैल्यू हो जाएगी 4I0. और इसको हमें k दे रखा है इस सवाल में, तो इसकी वैल्यू 4I0 जो है उसकी वैल्यू k दी हुई है. तो यह आपकी इंटेंसिटी पहले केस में हो गई. सेकंड केस में हमें ये कहा गया है कि हमें इंटेंसिटी बतानी है उस जगह पे जहाँ पे पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाय 4 है. सो सेकंड केस में जब हम बात कर रहे हैं कि इफ़ डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लैम्डा बाय 4 विच इम्प्लाइज आपका डेल्टा फाई होएगा 2π/λ मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एक्स. सो डेल्टा एक्स की वैल्यू आपने लैम्डा बाय 4 रखी, लैम्डा कैंसिल हो गया और ये आपका ये कैंसिल हो जाएगा 2, तो ये बचेगा पाई बाय 2. तो आपका डेल्टा फाई बचा पाई बाय 2. इंटेंसिटी जब यहाँ पे लिखेंगे I1 वो होएगी 4I0 ब्रैकेट में आएगा कॉस ऑफ पाई बाय 2 का हाफ, यानी कि पाई बाय 4 का स्क्वायर. तो इसकी वैल्यू हो गई 4I0 मल्टीप्लाइड बाय कॉस पाई बाय 4 होता है अपना 1/√2, उसका स्क्वायर करेंगे तो बनेगा हाफ, तो ये हो जाएगा हाफ, यानी कि वैल्यू हो गई 2I0. नाउ 4I0 हमें पता है के है, तो 2I0 जो है आपका वो हो जाएगा, यानी कि इसको I2 कह देते हैं, ये I2 विल बी इक्वल टू इसकी वैल्यू आ गई अपनी 2I0 दैट विल बी इक्वल टू के बाय 2, बिकॉज आपका 4I0 के है तो 2I0 के बाय 2 हो जाएगा. सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी, के बाय 2 वुड बी द राइट आंसर.